साहिब अजीत सिंह जी, मैं आरंभ के विच भी यह गल कही सी कि इतिहास की एक बड़ी वड्डी विडंबना, एक ट्रैजडी, एक त्रासदी है कि बहुत सारे स्रोतों जदों किसी एक विषय के उपर लैक्चर तैयार करने के वास्ते जां लिखण वास्ते असीं पढ़ते हाँ, स्रोतों के विच कोई भी एक स्रोत की तारीख, नाम ते घटना ते वाकियत एक दूजे नाल नहीं मिलते। पर जदों किसी इतिहासिक घटना का जिक्र करना हुंदा, एक इतिहासकार दे कोल चार चीज़ां हुंदियां ने। एक अहम चीज़ हुंदी है कि जिथे वह वाकियत वापरिया, स्थान। एक हुंदा है जिस दे नाल वाकियत वापरिया, शख्सियत। एक हुंदा है जिहड़ा उस वाकियत का गवाह है, शाहदी। चौथी चीज़ हुंदी है जिसने उस वाकियत के बारे लिखिया, स्रोत। शख्सियत ते शाहदी, जिस दे नाल घटना वापरदी है ते जिहड़ा घटना का चश्मदीद गवाह हुंदा है वह तो उम्र के नाल संसार तो चले जाते हैं। फिर साढ़े को दो चीज़ा रह जांदियां ने, स्थान और स्रोत। और बदकिस्मती दे नाल साढ़े इतिहासक स्थान जिहड़े सीगे वह कार सेवा वाले बाबियां ने घटा छड्डे ने, ते जिहड़े स्रोत बचे सी अज दे प्रचारकां ने खत्म कर दित्ते ने। इतिहास दा एक बहुत वड्डा कांड हो रहा। साहिब अजीत सिंह होणा दे असीं जन्म की गल करिए तो पहली गल तो यह है कि वक् वक् स्रोतों के तरीकों वक् वक् ने। पर जे किसी प्रमाणिक तारीख नूं कढ़ीए तो उस हिसाब के नाल साहिब अजीत सिंह का जन्म जिहड़ा है वह 29 जां 30 माघ 1686 का बनता है। उस दे मुताबिक 9 जां 10 फरवरी अज के साढ़े ग्रैगोरियन कैलेंडर के मुताबिक। और जिहड़ी भंगाणी की जंग है यह 16 अप्रैल 1686 के विच हुंदी है, उसी साल के विच। इसका मतलब कि जंग तो पहला साहिब अजीत सिंह का जन्म हो चुका है। तो नामकरण साढ़े इतिहासिक स्रोत कहिंदे ने कि अजीत सिंह का नाम जिहड़ा है वह भंगाणी की जंग तो बाद रखा गया। जन्म जिहड़ा है वह पौंटा साहिब होया है, साहिब अजीत सिंह उहनां दा। पौंटा साहिब के बारे जदों असीं पुरातन स्रोतों नूं पढ़दे हां तां साडे कोल एक स्रोत बड़ा अहम आउंदा, शहर पावटा की सुध लई। यह बड़ी अहम गल है, सुध लई, सुरत लैणा। सुरत जदों स्थान की सुरत की गल की जाती है तो उहदा भाव हुंदा है कि उत्थे कोई ना कोई उजाड़ा हो चुका है तो दुबारा फिर उसनूं वसाया गया। और यह बिल्कुल दुरुस्त है कि 1058 दे विच उत्थे एक होर राजे दा उदयपाल दा राज सी। उस तो बाद जैसलमेर दे इलाके तो जाके उत्थे एक होर राजे ने राज कीता जिहदे परिवार दे विचों मेदनी प्रकाश सी। ते किसे समय हड़ दे आउण दे नाल इह शहर पूरी तरह दे नाल बर्बाद हो गया सी। कलगीधर पातशाह दे जाण करके दुबारा उत्थे वसण शुरू होई, जिस करके इस दा नाम उहनां दे चरण करके पावटा शब्द इस शहर नूं लगा। ये साडे इतिहासिक स्रोत मनदे ने इस गल नूं। ते जेकर असीं पहाड़ी परंपरा दे विच जाने आ ते उह कहिंदे ने कि पहाड़ियां दे पैरां दे विच पाउण वाला एक गहना हुंदा जिसनूं पावटा कहा जांदा, उहदे नाम दे उपर शहर दा नाम है। सो इह दो वख-वख प्रमाण जिहड़े इतिहास दे विच सानूं मिलदे ने। हुण अगली गल आ जांदी है कि साहिब अजीत सिंह महाराज जिहड़े साहिबजादा ने उहनां दी माता जी, इत्थे आके फिर जिस तरह मैं जन्म की गल की है, इत्थे आके फिर एक इतिहास के खोजियों वास्ते दुविधा खड़ी हो जाती है। वह दुविधा यह खड़ी हो जाती है कि साडे कुछ विद्वान कहिंदे ने कि माता सुंदर कौर जी जिहड़े है उन्हां दा पेकियां दा नाम जीतो जी सी, ते माता सुंदर कौर जी ते माता जीतो जी एक ही ने। इस गल का जिक्र प्रिंसीपल सतबीर सिंह करते हैं। पर यह गल मनण योग इस करके नहीं है कि माता जीतो जी का अंतम संस्कार आनंदपुर साहब किया गया तो माता सुंदर कौर जी बहुत समा बाद तक दिल्ली रहे ने, इस करके दो शख्सियत ने, इस गल नहीं मनिया जा सकता। दूसरा प्रमाण यह कहता है कि विआह बेशक माता जीतो जी के नाल गुरु साहब का पहला होया, माता सुंदर कौर जी का बाद दे विच होया, पर अजीत सिंह ने उन्हां दी कुख चों जन्म लिया जिस तरीक की असीं पहला गल की है। एक स्रोत यह कहता है
कि जिस वेले माता जीतो जी चढ़ाई कीते ने सन 1700 दे विच उदों साहिब फतेह सिंह दी जिहड़ी उम्र सी उह तकरीब कोई 1.5 साल दे करीब सी ते बच्चों का पालण पोषण दे वास्ते माता सुंदर कौर जी दे नाल दूसरा विआह कीता गया ते क्योंकि पहले जिहड़े माता जीतो जी उह चढ़ाई कर चुके सी। सो ये तीन तरह के जिहड़े इतिहासिक प्रमाण ने सानूं इतिहास दे विच मिलदे ने, पर जदों असीं बहुत सारे प्रमाणा की घोख करते हैं तो फिर ज़्यादा प्रमाण जिहड़े ने इस गल दे उपर आके टिक जाते हैं कि साहिबजादा अजीत सिंह उन्हां दा जन्म जिहड़ा है वह माता सुंदर कौर जी की कुख दे विच होया। इस तथ के उपर ज़्यादा इतिहासकारां दा मत जिहड़ा वह है तारीख के उपर। अगली गल आ जाती है नामकरण की। ये मैं जिस तरह शुरू दे विच कहा सी कि इतिहास की एक त्रासदी है, एक ट्रैजडी है कि बंसावली नामे का लिखारी साहबजादा अजीत सिंह का नाम लिखता जीत सिंह। इस तरह सेनापत जिहड़ा श्री गुरु सोभा दे च नाम लिखता रणजीत सिंह ते ज़्यादा स्रोतों दे च नाम मिलता है अजीत सिंह। सो स्रोतों दे च नाम भी तीन ने, जीत सिंह, अजीत सिंह ते रणजीत सिंह। उदे पिछे कारण की है? उदे पिछे कारण यह है कि जदों असी इतिहासक स्रोतों के साहबजादा अजीत सिंह के नामकरण की गल करते हैं तो इन्हों स्रोतों तो पहला जिहड़ा स्रोत है वह स्रोत कहिंदा है कि साहबजादा अजीत सिंह का नाम पंघाणी की जंग जितने तो बाद रखा गया जिहड़ी कि उन्होंने जन्म तो 1.5-2 महीने बाद हुई ते उस जंग नाल संबंधित स्रोत के दोवें नाम आते हैं। रणनजीत आए, जैन गीत गाए, कृपा काल केरी पई जीत मेरी, उहदे च रणजीत भी आउंदा शब्द ते जीत भी आउंदा है। पर इहदे विच भी साढ़े 14-15 स्रोत वह ने प्रमाणिक स्रोतों के जिहड़े साहिब अजीत सिंह की गल करते हैं। इस तरह जदों असी बाकी तीन साहबजादों की गल करते हैं तो उत्थे भी ये दुबदावां साढ़े सामने ने, यह दरपेश ने। साहबजादा अजीत सिंह का जन्म जो मैं कहा कि इतिहासिक स्रोतों के जिहड़ी तरीक और जिस माता जी की कुख चो होया, थोड़ी उम्र वडेरी हुई तो इन्होंने गतके की नेचेबाजी की घोड़सवारी की सिक्ख्या जिहड़ी सी उह उस्तादां दे कोलों ली। और साहबजादा अजीत सिंह ने अपनी जिंदगी की जिहड़ी पहली जंग है वह बड़ी अहम जंग लड़ी है। संगतां पोठोहार दे इलाके चो आ रही सी ते जदों इस इलाके दे विचो आ रही सी ते रस्ते दे विच एक बड़ा मशहूर रंगड़ सी केशव राम रंगड़। उसने अपने गुंडियां नूं नाल लिया क्योंकि पहाड़ी राजां दी सरप्रस्ती सी, गुरु साहब दे विरोधी सन। इसका जिक्र लतीफ भी करता है कि पहाड़ी राजां दा गुरु साहब दा विरोधी होना सब तो वड्डी अहम कारण सी कि गुरु साहब ने जाति प्रथा नूं जनतक तौर ते तोड़ दिता सी। जदों असी गल करदे आ ना ते गलगीधर पातशाह दे जिहड़े मुख वाक ने जिहड़े साढ़े पुरातन स्रोतों च मिलते ने ते उन्हां दे विच जाति प्रथा दा खंडन ही नहीं बल्कि जाति प्रथा नूं खत्म करके सिखां नूं जिहड़ी पातशाही देण दा जिक्र है ना वह पहाड़ी राजा नूं हजम नहीं हुंदा। जदों गुरुदेव पातशाह कहिंदे ने कि जिनकी जात पात कुल माही सरदारी ना भई कदाही तिन ही को सरदार बनाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। पहाड़ी इस गल तो दुखी ने ते जिन्ने भी गुरु घर के विरोधी ने उन्हां नूं पहाड़ी राजे जिहड़े ने सुरक्षा प्रदान करदे ने। इस तरह उस इलाके दे विच केशव राम रंगड़ संगतां नूं लुट लिया गया। जदों संगतां वापस आईयां आके गुरु दरबार दे विच अपनी सारी विथ्या सुना दित्ती कि पातशाह सी तुहाडे वास्ते कारपेटा लैके आ रहे सी। बड़ा अहम शब्द है साडे स्रोतां दे विच, पेटा, कारपेटा, ये तीन शब्द ऐसे ने इन्हां शब्दां दे उपर बहुत वड्डी कन्फ्यूजन है, बहुत वड्डी। क्योंकि अक्सर कई बार जो असं लैक्चर करते हैं तो कई बार स्टेज सकत्र साहबान कह देंगे कि हुण फलाने बुलाने बुलारे नूं सिरपाओ भेट किया जाएगा। सिरपाओ भेट नहीं किया जा सकता। तीन चीज़ां ने, दान, भेटा और बख्शिश। अपनी किरत कमाई जो सानू गुरु ने बख्शी है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਭੇਟਾ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਦਾਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਰਥ ਬੜੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭੇਟਾ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੱਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਕੇਸੋ ਰਾਮ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸੋ ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੋਇਆ ਮਾਲ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੇਸੋ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੇਸੋ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੰਗੀ ਅਸੂਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਆਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੈਯਦ ਵਲੀ ਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਸਮ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਫ ਦਰ ਕਸਬੈ ਕਾਂਗੜ ਕੁਨਦ ਵਜ਼ਾਂ ਪਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਹਮ ਸ਼ਬਦ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਸਿੰਘ ਤਾਜ ਰਾਜ ਬਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਰਾ ਗਰਬ ਬਾਇਤ ਬਾ ਕੌਲੇ ਕੁਰਾਂ ਬਨਿਸਤੇ ਸ਼ਮਾਰਾ ਅਰਸਾਨਮ ਹਮਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਰਾ ਗਰਬ ਬਾਇਤ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾ ਕੌਲੇ ਕੁਰਾਂ ਉਹ ਕੌਲ ਵਾਲੀ ਕੁਰਾਨ ਬਨਿਸਤੇ ਸ਼ਮਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਅਰਸਾਨਮ ਹਮਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਵਲੀ ਹਸਨ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਬ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਕੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਲਾਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਤਲਾਹ ਹੋਈ ਸਰਹੰਦ ਸੇ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਾਸਿਦ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਪੈਗਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਸਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੰਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਏਲਚੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਜੰਗੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕਾਸਦ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਆਲੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਲੰਘਣਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵੱਲ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਕਾਮੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਚਾਰ ਏਲਚੀ ਭੇਜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੌਜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਹੀ ਏਲਚੀ ਮਰਵਾ ਕੇ ਫਰਕਸੀਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਏਲਚੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਸਦ ਨੂੰ ਮਸੰਜਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਜੰਗੀ ਅਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਉਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸੋ ਰਾਮ ਰੰਗੜ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ,
किसी नाल कोई जबर जना नहीं सी कीता। ते कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे जदों सामने आया ते कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिहड़ियां संगतां नूं लुट्टिया होया सी उन्हां नूं पुछया इहदे नाल की वर्ताव कीता जावे। ते गुरु के सिख भी उस असूल दे मालक सी, कहिंदे सी जी तुहाडी कार भेटा तुहाडे दर ते पहुँच गई है, हुण इहनूं की सज़ा देनी है। उन्हूं माफ़ कर दिता। इतिहास गवाह इस गल का कि केशव राम रंगड़ गुरु घर का सिख बन गया। वह बंदा जिहड़ा कदी गुरु घर दीआं संगतां नूं लुटदा सी वह गुरु घर का सिख बन गया। जदों केशव राम गुरु घर का सिख बन गया फिर पहाड़ी राजिआं ने दो होर डाकुआं नूं, इन्हां दे नाम तुसीं इतिहास बड़े घट सुणोगे, उहदा कारण इही है कि परंपरागत इतिहास जिहड़ा सानूं सुनाया जांदा है वह महज मनोरंजन तक है, कन रस तक सीमित है। इतिहास का तुलनात्मक अध्ययन जिहड़ा ना वह असीं छड्ड दित्ता है। दो नाम आउणगे जदों तुसीं पुरातन स्रोतां नूं पढ़ोगे, उहदे विच एक नाम आवेगा चिट्टा मल, एक आएगा मित्तू राम मंगड़। यह जिहड़ा मित्तू राम रंगड़ ते चिट्टा मल ने यह दोवें चचेरे भरा ने, इन्हां नूं भी पहाड़ी राजिआं ने बहुत ज़्यादा चुकना दित्ती कि संगतां आउंदियां ने कार भेटा लै के आउंदियां, तुसीं दलेर हो बहादुर हो, संगतां नूं लुट लिया करो, साढ़े वल्लों तुहाडे ते कोई पाबंदी नहीं। जदों इन्हां ने संगतां नूं लुट्टिया ते जिहड़ी इन्हां ने लुट्टमार कीती उस लुट्टमार दे दौरान कुछ श्रद्धालू भी इन्हां ने कतल कर दिते, ते जदों इन्हां नूं सज़ा देण दे वास्ते साहिब अजीत सिंह बाबा बचित्र सिंह नूं नाल लैके गए ने, ते फिर इस जंग दे विच ये जिहड़े दोवें सी ये भी दोवें मारे गए, दोवां दी मौत होई। उस तो बाद अगली जंग जिहड़ी है जिहड़ी साहिबजादा अजीत सिंह ने बिना किसी बराबर के साथी जरनैल तो बिना इकल्या लड़ी है। पहलियां दो जंगा का मैं जिक्र किया, आजू छोटी सी उदों एक जंग दे विच उन्हां दे नाल बाबा उदय सिंह जी गए ने, एक दे विच भाई बचित्र सिंह जी गए ने, दोवें भाई मनी सिंह दे सपुत्र। यह जंग यह सी कि कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज का दरबार लगा होया। पहला तो उन्हां जंगी असूलों नूं समझण की लोड़ है। एक थोड़ी जी पहली घटना का जिक्र करदा है इस सारे समुचे वर्तारे नूं समझण दे वास्ते। कलगीधर पातशाह का दरबार लगा होया, सिंह मैदाने जंग तों जूझ के आए और दरबार दे विच अगे ते जदों मैदाने जंग दे विच जूझ के आउंदे सी दुश्मन दे लुट्टे हुए शस्त्र, उन्हां दे हथियार, उन्हां दा गोला बरूद वो लिया के गुरदेव दे सामने भेटा करदे सी। अज एक पालकी लिया के रख दित्ती, पालकी दे परदे लगे हुए ने। पातशाह ने पुछया पालकी किस दी है ते इहदे विच कौण है? सिखां ने कहा पातशाह साडी लड़ाई होई सी, रहीमपुर का नवाब अपनी पत्नी नूं छड़ के मैदाने जंग च भज गया। यह रहीमपुर के नवाब की पत्नी है, पर असी कपड़ा चुक के नहीं वेख्या, पराई औरत सी, असी इस दी पालकी दा असी इस दी शाही पालकी का कपड़ा नहीं चुकया। पातशाह ने कपड़ा उठाया, वो पता कौन सी? नाहर खां की बेटी। नाहर खां जिहड़ा शेर मुहम्मद खान मलेरकोटे वाले का भरा सी, तो जिहड़ा चमकौर की जंग दे विच कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के हथों मारिया गया सी, जिस का जिक्र गुरुदेव पातशाह जफरनामे च भी करते हैं, चूदीदम बा नाहर बा आमद बा जंद चशीदे जके तीर मन बेदरंग, कि जदों तेरा नाहर खान नाम का मनसबदार मैदाने जंग दे विच सामने आया तो मैं कन्न तक खिंच के चशीदे जके तीर एक तीर छड्डिया तो उन्होंने उत्थे खत्म कर दिता। उसकी बेटी सी, हुण दुश्मन की बेटी है तो दुश्मन की पत्नी है, जरा ख्याल करो, दुश्मन की बेटी है दुश्मन की पत्नी है, सिखां दे हाथ आई है। तो पातशाह पता की कहिंदे ने, जिन्ना उस जंग दे विच्चों जित के आना औखा सी उहदे तो वध औखा हुंदा दुश्मन दे इलाके दे विच किसी चीज़ नूं वापस करन जाणा। पातशाह कहिंदे कि रहीमपुर दे नवाब दे इलाके दे विच इस पालकी नूं महफूज छड्ड के आओ। साहिब अजीत सिंह दोवें नाल गए, और एक सिख ने कह भी दिता, वेखो हर तरह की मानसिकता होंगी हर फौज दे च, एक सिख ने कह दिता पातशाह वापस करन दी की लोड़ है, जे सिखां दी जां किसी होर परिवार की बच्ची मुगलों के हाथ आँदी उन्हें छड्डनी थोड़ा सी, असी वापस करन क्यों जाइए? तो मेरे गुरुदेव पातशाह ने पता की कहा,
तब सतगुर बोले एक बेरे हम ले जानो पंथ उचेरे। जो वो करते हैं असं वो नहीं करांगे। साड़ी विचारधारा वक्री है, साड़ी विचारधारा विलखण है।